Hello class, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to learn the first chapter of ENV of class 5th. The name of the chapter is Going to School. In this video, we are going to see how students of different regions go to school. अब जैसे कि हम urban city area में रहते हैं, यहाँ पे स्कूल जाना बहुत इजी है, यानी कि आपके पास अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन है, बिकॉज यहाँ पे जो रोड है वो पक्के रोड है, अच्छे से बने हुए हैं. बट ऐसे कई रीजन्स हैं जहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ पे बच्चों को रिवर को क्रॉस करना पड़ता है या फिर पहाड़ों को क्रॉस करना पड़ता है, तो वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. अब हमें इस चैप्टर में ये देखना है कि अलग अलग रीजन्स के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं. अब बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हमें कुछ एक्टिविटी दी है. कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर. Try walking on them. Was it easy? आपको बोल रहे हैं कि आप कुछ ब्रिक्स को कलेक्ट कीजिए और उन्हें ग्राउंड पे एक लाइन में रख दीजिए, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाया है. अब उस पर चलने की कोशिश कीजिए. क्या वो ईजी था? येस, इट इज़ ईजी. वो इतना हार्ड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जो ब्रिक्स होते हैं वो एकदम स्टेबल होते हैं, तो उनके ऊपर चलना हार्ड होता नहीं है. मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 or 5 बैम्बू पोल्स टूगेदर. Now walk on your bridge. How did you feel? Did you fall down? If you walk like this a few times, you will start finding it easy. अब बोल रहे हैं कि आप 4 or 5 बैम्बू पोल्स लीजिए और उन्हें एक साथ बांध दीजिए और उसका एक क्या बनाइए? ब्रिज बनाइए. अब आपने जो ब्रिज बनाया है, आपके ब्रिज पे चलने की कोशिश कीजिए. कैसा महसूस होता है? कैसा लग रहा है? क्या आप गिरे थे? इट इफ़ यू वॉक लाइक दिस, आप उस ब्रिज के ऊपर वॉक करने की कोशिश करेंगे तो 3-4 बार या फिर थोड़े टाइम के बाद आपको भी वो उस ब्रिज पर चलना ईजी लगने लगेगा. आपको क्या लगता है कि आप बेयर फुट जाओगे तो ज़्यादा ईजी होगा या फिर आप शूज़ और स्लीपर्स पहन के जाओगे तो ज़्यादा ईजी होगा? बेयर फुट मतलब नंगे पाँव. अकॉर्डिंग टू मी बेयर फुट जाना ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि जब हम बेयर फुट यानी नंगे पाँव चलते हैं किसी चीज़ पे, तो हमारी ग्रिप उस पे अच्छे से बनी होती है. अब हम लोग देखते हैं कि लद्दाख ट्रॉली सिस्टम का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अगर हम ट्रॉली की बात करें तो वो लद्दाख में यूज़ की जाती है. यहाँ के बच्चे ट्रॉली का यूज़ करते हैं अपने स्कूल जाने के लिए. अब यहाँ के बच्चे क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं. Every day we have to cross the river to go to school. अब हम ये बोल रहे हैं कि अब हमें हर रोज़ रिवर को क्रॉस करना होता है स्कूल पहुँचने के लिए. The river is wide and deep. अब रिवर क्या है? वो वाइड है. वाइड यानी चौड़ी है और डीप यानी गहरी है. There is a strong iron rope across the river. On both side it is tied tightly strong with strong trees or rocks. अब उस रिवर के ऊपर से अक्रॉस एक रोप, आयरन रोप को बांधा गया है दोनों तरफ से, एक किसी पेड़ से या फिर किसी एक रॉक से. देर इज अ ट्रॉली एंड ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड अटैच्ड विद द रोप. 4 or 5 ऑफ यू सिट इन द ट्रॉली. अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप. वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम. अब क्या हो रहा है? अब एक ट्रॉली है. ट्रॉली किससे बनी है? तो एक वो ट्रॉली क्या है एग्जैक्टली? तो एक ओपन बॉक्स है जो वुड से बना हुआ है और उस वुड बॉक्स को, वुडन बॉक्स को रोप से टाई कर रखा है, बांध रखा है, अटैच कर रखा है. अब 4 से 5 स्टूडेंट्स एक साथ एक ट्रॉली पे ट्रैवल कर सकते हैं. उस ट्रॉली को एक पुली है जो उसे हेल्प करता है एक जगह से दूसरी तरफ रोप मूव करने के लिए. वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम. अब आप ट्रॉली का यूज़ कर रहे हैं तो आप रिवर्स को एकदम छोटे कम टाइम में क्रॉस कर सकते हैं. अब जो सिटी जैसी बात आई, सिटी की बात आई है. वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज सो वी यूज़ ब्रिजेस. अब आपने देखा होगा कि कहीं पे सी है, ओशन या सब सी है, तो हम लोग वाटर बॉडीज़ को हमें अगर क्रॉस करना है तो उसके ऊपर क्या होता है? रिवर होता है, तो उसके ऊपर क्या होती है? ब्रिज बने होते हैं. तो ब्रिज किससे बने होते हैं? तो सम ब्रिजेज आर मेड अप ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स. द ब्रिज मे ऑल्सो हैव स्टेप्स. अब ब्रिज किससे बना हुआ है यहाँ पे? तो सीमेंट से बना हुआ है, ब्रिक्स से बना है वह, या फिर आयरन रॉड से बना हुआ है. द ब्रिज मे ऑल्सो हैव स्टेप्स. अब एक ब्रिज के अंदर सीढ़ी भी हो सकती है. अब
कुछ पार्ट ऑफ केरला, अब हम बात करते हैं केरला की, तो केरला के कुछ कुछ रीजन्स में वहाँ के बच्चे छोटी सी बोट में ट्रैवल करते हैं स्कूल जाने के लिए। उस छोटी सी बोट को बोलते हैं वेलम। इन सम पार्ट ऑफ केरला वी यूज़ अ वेलम टू रीच स्कूल। बच्चे क्या यूज़ करते हैं, तो एक छोटी सी बोट वुडन की बनी हुई, और उस बोट को हम बोलते हैं वेलम। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान क्या है, एक डेजर्ट है, या इट इज़ अ डेजर्ट। तो डेजर्ट में मूव करने के लिए बच्चों को हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो कैमल कार्ट यूज़ करते हैं। कैमल का यूज़ क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैमल इज़ ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल के जो पाँव होते हैं उनको इतना अच्छे से गॉड ने बनाया ताकि वो डेजर्ट में, सैंडी एरिया में आराम से चल सकें। वी लिव इन द डेजर्ट, देर इज सैंड ऑल अराउंड, इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। अब जब डेजर्ट की बात आ रही है तो वहाँ के बच्चे कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं अपने स्कूल जाने के लिए। दिन में वहाँ बहुत गर्मी होती है। अब बुलक कार्ट, ये कुछ कुछ विलेजेस के बारे में बात की, कोई भी एक कोई विलेज होगा तो वहाँ पे अच्छा सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं मिलेगा आपको, पक्के रोड नहीं मिलेंगे, टू व्हीलर्स कार्स घर घर में नहीं होती हैं, तो वहाँ क्या होता है, तो वहाँ बुलक कार्ट यूज़ करते हैं। वहाँ के बच्चे अपने स्कूल ग्रीन फील्ड्स को क्रॉस करते करते बुलक कार्ट पे जाते हैं। अगर उस दिन कोई भी दिन बहुत बारिश हो रही है या फिर सनी सीज़न है, सनी यानी गर्मी बहुत है, तो बच्चे अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं उस बारिश या फिर उस धूप से बचने के लिए। वी राइड इन आवर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज़ आवर अम्ब्रेलाज। अब बाइसिकल राइड, या हम राजस्थान या फिर कोई भी एक एरिया के बारे में बात कर सकते हैं, बाइसिकल राइड तो कहीं पे भी होती है। वी राइड अ बाइसिकल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल, अगर आपकी स्कूल आपके घर से दूर है थोड़ी, तो हम बच्चे क्या यूज़ करते हैं, तो दे यूज़ बाइसिकल्स। यहाँ के एरिया के अंदर पहले गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन अब 7 से 8 बच्चियाँ लड़कियाँ एक साथ मिलके अपने ग्रुप में डिफ़िकल्ट रोड्स को भी क्रॉस करके स्कूल चली जाती हैं। वी राइड अ बाइसिकल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल, एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज टू फार, बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7 to 8 गर्ल्स ईजिली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड्स। आई होप आपको इधर तक समझ में आया होगा। हमने अभी तक क्या क्या देखा, तो अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग तरीके से बच्चे स्कूल जाते हैं। जैसे लद्दाख का एरिया है तो वहाँ पे बच्चे ट्रॉली का यूज़ करते हैं, फिर कई जगहों पे बच्चे ब्रिजेस क्रॉस करते हैं। सिटी एरिया की बात चल रही है ये। वेलम, केरला के अंदर कुछ रीजन्स में बच्चे वेलम यानी एक छोटी सी वुडन बोट का यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए। डेजर्ट एरिया में कैमल कार्ट का यूज़ होता है, कुछ कुछ विलेजेस में बुलक कार्ट का यूज़ होता है, और कहीं कई एरियाओं में मोस्टली हर जगहों पे बच्चे साइकिल्स का भी यूज़ करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं गुजरात में। अब गुजरात के कुछ एरियाज़ में बच्चे जुगाड़ नाम का व्हीकल का यूज़ करते हैं। ये कुछ इस व्हीकल में कुछ नया नहीं है। ये व्हीकल कैसा होता है, तो आगे ये मोटरसाइकिल दिखती है और पीछे इसके कैरिएज लगा होता है, और उस वो कैरिएज वुड का बना होता है, वुडन प्लैंक्स का बना होता है जुगाड़। अब ये जब चलता है तो इसमें से आवाज़ आती है, फुट फुट फुट, ऐसे आवाज़ आती है फुट 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 व्हेन इट रन्स। इट इज़ नॉट समथिंग स्पेशल, इट इज़ नथिंग स्पेशल। द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरिएज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। अब कई एरियाज है जहाँ पे जंगल होते हैं, तो बच्चों को उस जंगल को पार क्रॉस करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। अब कुछ कुछ जगहों पे, जैसे मैंने अभी बताया कि जंगल को क्रॉस करना पड़ता है बच्चों को स्कूल जाने के लिए, यहाँ पे थिक फॉरेस्ट है यानी कि बहुत घने फॉरेस्ट हैं। कई कई जगहों पे ये इतने घने हैं कि वहाँ पे धूप यानी सनलाइट भी नहीं पहुँचती है। ये एरिया एकदम साइलेंट होता है, फॉरेस्ट में हलचल कौन मचाएगा, कोई भी नहीं।
यहाँ पे एकदम साइलेंट एरिया होता है, यहाँ पे किसकी आवाज़ सुनने मिलेगी? तो सिर्फ बर्ड्स की और दूसरे क्रिएचर्स की, क्रिएचर्स यानी इंसेक्ट्स या और कोई भी एनिमल्स जो होगा वहाँ पे उनकी आवाज़ सुनने मिलती है। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल एट सम प्लेसेस। इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर। यू कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। मूविंग ऑन द स्नो। अब कई एरियाज़ में बहुत स्नोफॉल होता है तो वहाँ के बच्चों को स्नो को पार करना पड़ेगा वेरी ऑब्वियसली। सी हाउ वी रीच स्कूल। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। इफ़ द स्नो इज सॉफ्ट आर फीट सिंक इन टू इट। वेन द स्नो इज फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल। अब स्नो है ना, अगर वो मेल्ट हो रही है, सॉफ्ट है, तो बच्चों के पाँव उस बर्फ के अंदर चले जाते हैं। पर अगर एकदम हार्ड है वो स्नो, फ्रोजन है, एकदम जमी हुई है, तो बच्चे उस पर कई बार स्लिप खा जाते हैं। स्नो पे चलना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। रॉकी पाथ्स। अब जैसे कि माउंटेन्स की बात करते हैं, अगर कुछ बच्चे माउंटेन्स में रहते हैं तो वहाँ का एरिया कैसा होता है? रॉकी, पत्थरों से भरा हुआ, अनइवन, एकदम स्मूथ एरिया नहीं होता है। वहाँ पे पत्थर होते हैं, ऐसे अलग अलग एरियाज होते हैं। तो चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दिस। अब जो लोग एकदम प्लेन एरिया में रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल माउंटेन नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल एरिया है, तो उन बच्चों को इन माउंटेन एरिया में चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। बट ये जो माउंटेन के बच्चे हैं, जो माउंटेन एरिया में जो बच्चे रहते हैं, वो लोग एकदम ईजीली मूव कर देते हैं। वो लोग तो मोस्टली रेस लगाते हैं वहाँ से, माउंटेन से नीचे आने के लिए। अब बच्चे क्या बोल रहे हैं माउंटेन एरिया के? वी लिव इन माउंटेन्स, द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। द चिल्ड्रन हु लिव इन प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दीज, बट वी कैन ईजीली रेस अप एंड डाउन। अब ये बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हम माउंटेन के एरिया के बच्चे हैं और हमें तो माउंटेन्स के एरिया में चलने में और ऊपर नीचे करने में कोई टेंशन नहीं है, हम तो आराम से दौड़ते दौड़ते ऊपर चढ़ जाते हैं, दौड़ते दौड़ते नीचे आ जाते हैं। बट हाँ, जो बच्चे प्लेन एरिया में रहते हैं उनको बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा हमारे एरिया में ट्रैवल करना। फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन। अब यहाँ पे ये जो पोएम टाइप लाइन दिख रही है, ये फिफ्थ स्टैंडर्ड के एक बच्चे ने लिखा है। उसका उस बच्चे का नाम है सागर मिश्रा। ये मध्य प्रदेश का है और ये पोएम उन्होंने अगस्त 2006 में लिखी थी। अब बच्चा क्या बोलता है? फेल्ड इन द टेस्ट 30 रूलर्स, यहाँ पे 30 लिखना रह गया, आई एम सॉरी। फेल्ड इन द टेस्ट 30 रूलर्स, फोल्ड अराउंड इन टेस्ट 15 रूलर्स, होमवर्क नॉट डन 8 रूलर्स, नेल्स टीथ ड्रेस नॉट क्लीन 30 सिटअप्स। अब क्या बोल रहे हैं? अगर मैं टेस्ट में फेल हो जाता हूँ तो 30 रूलर्स, 30 बार स्केल से मार पड़ती है। फोल्ड अराउंड इन द टेस्ट यानी कि चीटिंग करने की कोशिश करो या इधर उधर देख रहे हो तो 15 रूलर्स पड़ेंगे, होमवर्क नहीं किया तो 8 रूलर्स पड़ेंगे, नेल्स टीथ और ड्रेस क्लीन ना हो तो 30 सिटअप्स करने पड़ते हैं। हैविंग फन इन क्लास व्हेन टीचर इज आउट, स्टैंड ऑन वन लेग फॉर 2 आवर्स। अगर टीचर बाहर गए हैं और हम मस्ती कर रहे हैं तो 2 घंटे तक एक ही पाँव पे खड़े रहो। नॉट बैक इन क्लास आफ्टर रिसेस, स्टैंड ऑन द बेंच विथ योर हैंड्स अप इन द एयर फॉर 1 आवर। अगर रिसेस के बाद आप टाइम पे क्लास पे नहीं पहुँचते हो तो बेंच पे खड़े हो जाओ हाथ ऊपर करके फॉर 1 आवर। ये पनिशमेंट उसको शायद से मिली है या फिर उन्होंने ऐसी पनिशमेंट देखी है अपने स्कूल्स में। आई होप कि आपको मज़ा आया हो ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते। अब हम इस चैप्टर के कुछ हार्ड वर्ड्स लर्न करेंगे। फर्स्ट इज ब्रिक्स। ब्रिक्स को हम लर्न करेंगे BRICKS, ब्रिक्स, ब्रिक्स, BRICKS, ब्रिक्स, BRICKS, ब्रिक्स। सेकेंड पिक्चर, PICTURE, पिक्चर, PICTURE, पिक्चर। ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। ग्राउंड GROUND, ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। वाइड WIDE, वाइड, WIDE, वाइड। डीप DEEP, डीप।
DEEP, cement, 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 desert, 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 sand, 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 bullock cart, bullock, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं बुलक या फिर bul, bullock, lock, bullock cart, नहीं, it is better you learn like this, bullock, 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 cart, cart, bullock cart, bullock, bullock, cart, cart, umbrella, 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 bicycle, 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 transport, 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 या फिर आप इसे दो में कर सकते हैं, tran, tran, sport, sport, transport, tran, tran, sport, sport, transport, sunlight, sun, sun, light, light, sunlight, sun, sun, light, light, sunlight, recognize, 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 re, 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 cognize, nice, nice, recognize, careful, care, sorry, carefully है, care, care, fully, fully, carefully, care, care, fully, fully, carefully, mountains, moun, mount, tains, tains, mountains, moun, mount, tains, tains, mountains, children, 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 punishment, punish, 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 ment, ment, punishment, punish, punish, ment, ment, punishment, steps, 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 school, 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 school. Thank you. I hope you understood the whole chapter. This video has been presented to you by Springdale School. Have a great day.